हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा वीडियो, हमारे RX 100 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, क्लच काम नहीं कर रहा है, तो वो सॉल्व करने के ऊपर होने वाला है। देख सकते हैं हमारी गाड़ी का काम चालू है। एक बात अच्छी हुई कि सब स्क्रू एक झटके में खुल गए। अभी फर्स्ट पैनल खुला तो हमको ही झटका लग गया। आप देख सकते हैं गाड़ी में से ऑयल की जगह क्या गिर गया। ये सब अच्छा था कि गाड़ी चल रही थी, वरना इंजन ब्लॉक हो जाता था। ये सब कीचड़ हुआ। अभी चलो पूरा अभी साफ ही कर देते हैं, एकदम गाड़ी को क्लीन हो जाएगा अंदर से, तो चलाने में भी मज़ा आएगा और गाड़ी की लाइफ को भी बरकरार रखेगा। फिर हमने गाड़ी का क्लच प्लेट खोलना शुरू कर दिया। गाड़ी बहुत दिन से खड़ी होने की वजह से और ऑयल ना होने की वजह से क्लच प्लेट एक दूसरे में चिपक गया, आप देख सकते हैं। हमें उन्हें खींच कर सेपरेट करना पड़ा, नॉर्मल कंडीशंस में वो इजीली निकल जाते। क्लच प्लेट की हालत देख सकते हैं, हमने अच्छी तरीके से उस जगह को पूरा क्लीन कर दिया। क्लच प्लेट को भी हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और हमने इसमें 80 ग्रिट का सैंड पेपर भी यूज़ किया जिससे कि अच्छी तरीके से क्लच प्लेट क्लीन हो जाए। और फिर वापस हमने क्लच प्लेट इंस्टॉल कर दिए। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को अच्छी तरीके से लुब्रिकेंट मिलने के लिए हम लोगों ने ऊपर से उसमें ऑयल डाल दिया। Thank you.
अभी आप देख सकते हैं गाड़ी के क्लच एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। और फिर उसके बाद हमने गाड़ी में इंजन ऑयल डाल दिया। देख सकते गाड़ी एकदम फाइनली स्टार्ट हो गई। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।